गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज है 29 जून 2023 और ईद की छुट्टी है, तो आज हम लोग अपनी छुट्टी एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं सन एंड वाटर व्यू पॉइंट। और आज आप लोगों को मैं अपने साथ लेके चलूँगी और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। मेरे ब्लॉग में आप मिल सकते हैं आदिराज भट्ट से। सबसे पहले मैं आपको आदिराज भट्ट से मिलाती हूँ। ये हैं आदिराज भट्ट और ये आज मेरे साथ जा रहे हैं सन एंड वाटर। कैसा लग रहा है आदिराज? लग रहा है, हॉलीडेज हो रही है। हाय तो बोलो फ्रेंड्स को। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सन एंड वाटर कैफे और आज हम बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। मेरी छुट्टियां भी चल रही हैं अभी, तो चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हैं सन एंड वाटर रिसोर्ट में और हमने स्कूटी कर दी है पार्क और अब हम जाएंगे सीधे अंदर। ये है हमारा एंट्री गेट और ये देख सकते हैं आप। बोलिशा हाय तो बोलो। इतना गंदा मुंह बना के। तो ये आ गई हैं सुमन और रेखा जी बस एंजॉय करने। इनके बैग वैग देखो बस। जो सबसे ज़्यादा हमें आकर्षित करता है। आज हम स्कूल में एंजॉय करने वाले हैं और ये है हमारा सन एंड वाटर का व्यू। तो गाइस ये बने हुए हैं यहाँ पे हट बहुत खूबसूरत से, ये देख सकते हैं आप, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये है सन एंड वाटर का रिसोर्ट जो काफ़ी बड़ा है। और लोग यहाँ पर आए, अगर यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ के बच्चे जो हमारे बाहर जाके
सर्विस करते हैं या जॉब करते हैं, तो उनको भी हम यहाँ रोज़गार दें। तो अभी मैंने 18 20 लोगों को रोज़गार देने को आया था, तो इसलिए ये सोचते कि भाई यहाँ के लिए कुछ करने का मन था। तो यार बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि नम्रता दी की इतनी बड़ी सोच है कि हमारे जो बच्चे हैं यहीं पे उनको रोज़गार मिल जाए ताकि वो अपने घर के नज़दीक रह सके और यहीं पे सारी फैसिलिटी हमारे पिथौरागढ़ को फेमस भी कर दिया जाए ताकि हमारी पिथौरागढ़ से भी पहचान मिले। यहाँ के जो बच्चे होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह तो करते हैं ना, तो स्विमिंग वगैरह सीखने के लिए भी, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती नहीं है, तो स्विमिंग वगैरह करने के लिए बच्चों के लिए ताकि वो बाहर कंपटीशन कर सकें, क्योंकि बाकी और सारे स्पोर्ट्स में तो हमारा पिथौरागढ़ नंबर वन पे ही है। तो हम चाह रहे थे कि स्विमिंग में भी बच्चे एक्सपर्ट हो जाएँ तो वो भी आगे को जा सकें, और यही सब चीज़ें सोच के ये बनाया। बहुत अच्छी मतलब पिथौरागढ़ की जानी मानी सोशल वर्कर हमारी बहन मेरी जो मेरी भी रही है कॉलेज में ना हमारी, हम लोग कर रही है कि मिलना हो गया। बहुत अच्छा ही बात है। तुम यहाँ पे हो कि नहीं हो, हम तो पूछने वाले थे। मैंने देख लिया था, मैंने कहा पहले जरा आप लोगों के भी, और मेरे बाप ने हम जैसे पिथौरागढ़ वासियों के लिए इतना अच्छा खोला ताकि हम लोग एंटरटेनमेंट कर सके, तो बहुत थैंकफुल, बहुत थैंकफुल। थैंक यू दी, थैंक यू। बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे। बहुत ज्यादा मजा आया, एंजॉय किया। यस है। और निमू आंटी आपको? अरे बहुत मजा आया, बाय गॉड बहुत ही मजा आया ना। और हमने स्विमिंग पूल में एक घंटा पूरा जो मस्ती की है ना, नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट लेवल की किया। अभी तो हम देखो अभी हम जा रहे हैं अंदर रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे, और ठंड भी लग चुकी है काफी धूप, लेकिन कोई बात नहीं, हम जुकाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। खूब सारे रील बनाई, खूब सारी फोटोग्राफी बनाई, दिल भर गया हुआ। अभी और करने वाले हैं, अभी और भी बनेंगे रील। तो आपको पसंद आया मेरा व्यू पॉइंट? अरे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू। रेखा दी आप बताइए। बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ एंजॉय। और तुम लोग का साथ था तो फिर कहना ही क्या, बहुत मजा किया। अभी जा रहे कुछ खाने, फिर उसके बाद जो बाकी का सर है वो बाद में करते हैं। चलो ठीक है, लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद आपसे मिलेंगे। कैसा लगा फिर अधिराज? बढ़िया, बस एंजॉय किया बहुत, स्विमिंग करके बहुत मजे आए बहुत। चलो फिर अब लंच कर लेते हैं, मेरा बैग भी ले आओ, बैग ले आओ। रेखा दी लंच करने? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत जोरों से भूख लगी है क्योंकि बहुत सारा एंजॉय किया, तो बहुत सारा कुछ खाने को मन हो रहा है, तो अब खाते ही मिलते। ये है टुडे स्पेशल। सारी रील्स बनाई, काफी फोटोग्राफी कर ली जी भर के। अभी हम जो है रेस्टोरेंट पे आए,
और ये मेनू देखिए, मेनू अभी हम चेक करें, देखें आपको किसको क्या पसंद आता है वो हम अभी ऑर्डर करेंगे। मस्ती करेंगे अभी और मस्ती बहुत जोर की लग रही है, वो भी बहुत जोर की, पहले कुछ खा लेते हैं फिर और मस्ती करेंगे। मन क्या खाना पसंद करोगी? अब क्या खाएं, अभी मेन्यू देखा नहीं है मैंने, अभी देख के बताएंगे, एक दूसरे खा लेते हैं, अभी देख के बताएंगे। आप क्या खा रही हो? कुछ भी, गोल्डन भी ये चीज बर्गर, चीज बर्गर नहीं नहीं मत पूछो ये नहीं बताऊंगी। आ चुका है हमारा खाना, ये है बटर चिकन और ये है प्लेन नान, ये भी हमारा प्लेन की मिरिंडा, और ये है काली मिर्च चिकन और ये है बटर नान। हम लोग ने खूब सारा एंजॉय किया, अब हम लोग घर अपने वापस जा रहे हैं और बीच में एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे साथ में, फिर घर को बाय बाय। ये है सन एंड वाटर का पीछे का पोर्शन, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है आज घूमने के लिए। चाय सुट्टा बार पे चाय पीने के लिए, जो कि पिथौरागढ़ के लिंक रोड में बना हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। और हम यहाँ पे एक टी ब्रेक लेने के लिए बैठे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था। और हमारे साथ सुमन मैडम भी आई हुई हैं और ये फर्स्ट टाइम चाय सुट्टा बार पे आई हैं, इसलिए काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। और आई हुई हैं हमारे साथ रेखा दी, रेखा दी भी फर्स्ट टाइम चाय सुट्टा बार पे आई हैं और ये भी काफ़ी खुश हैं यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि इन्हें भी चाय बहुत पसंद है और चाय हर किसी को पसंद होती है, इसलिए चाय तो बनती ही है। ये हैं हमारी निम्मू आंटी, जो काफ़ी फ़न करती हैं, काफ़ी इन्जॉय करती हैं अपनी लाइफ को, और इनका ही आइडिया था कि चलो घर जाने से पहले चाय पी लेते हैं, तो हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे आ गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे आपने चाय ऑर्डर करनी है और ख़ुद अपनी चाय लेके अपने टेबल पे जानी है, और यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, और आप लोग भी यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और मैं तो यहाँ पे पहले आ चुकी थी अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए मैंने ये चाय सुट्टा बार देखा हुआ था, लेकिन ये सब लोग आज पहली बार आ रहे हैं, इसलिए काफ़ी खुश हैं यहाँ पे आके। आप लोग भी आइएगा पिथौरागढ़ पे, चाय सुट्टा बार देखिएगा, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, और अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हैं। हमने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी रील बनाई और फ़ोटोग्राफी करी, काफ़ी इन्जॉय किया, आधा पौना घंटा हम यहाँ पे बैठे चाय पी। और यहाँ पे चाय भी बहुत सारी वैरायटी की हैं, आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। और यहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ था इस वजह से, तो मैंने वॉइस ओवर कर ली, वरना इससे भी अच्छी बातें हुई थी। आज हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि आज हमने पूरा दिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत फन किया, और काफ़ी थक चुके हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया है आज। आप क्या पियोगे? नींबू पानी? अधिराज क्या हो रही है हरकत, क्या पी रहे हो आप? ये आ चुके हैं हमारी चाय, चाय पी ली, फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
चाय कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आज हमने करा है काफ़ी इन्जॉय सन एंड वाटर रिसोर्ट में। मैंने आप लोगों को पूरे ब्लॉग में सन एंड वाटर का व्यू दिखाया था, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। स्विमिंग करी हमने, लंच किया और काफ़ी इन्जॉय किया हम सारे फ्रेंड्स ने। और आप लोग भी कभी भी पिथौरागढ़ आएँ तो सन एंड वाटर रिसोर्ट में ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छा है। मैं तो पिथौरागढ़ वालों से भी बोलूँगी कि इतना खूबसूरत रिसोर्ट बनाया हुआ है नम्रता दी ने, आप लोग जाइएगा और इन्जॉय करिएगा, बच्चों को लेके जाइएगा अपने हॉलीडेज़ में। और आज ईद की छुट्टी होने की वजह से हमको भी मौका मिला कि हम सन एंड वाटर रिसोर्ट जा पाए और काफ़ी मज़े करके आए हैं। उसके बाद हम लोग गए थे चाय सुट्टा बार में, हमने चाय पी वहाँ और उसके बाद हम सीधे अपने घर आए हैं। काफ़ी थक चुके हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपने वही रोज का रूटीन है, कल से ऑफिस ही जाना है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय।